नमस्कार। सो हरियाणा का कल रात को रिजल्ट आ गया था और आप लोग जो मेरे फैंस मैं कहूँ, और देवर कॉलिंग मी, कमेंट बहुत आ रहे हैं कि सर आप इतने सही कैसे हो सकते हो। तो मैं अगर आपको अपना लास्ट वीडियो दिखाऊं जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट, आप देख सकते हैं चैनल पे, दो दो दिन पुराना जो वीडियो था जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने ये कट ऑफ वाला वीडियो था, राइट। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपने जो नहीं देखा वो देख सकता है कि किस तरीके से हमने जो कट ऑफ मैंने बताई थी, क्या देश की कहाँ गिरेगी, और मोटा मोटी ये वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको दिखेगा जिसमें आया था, और अब इसके हिसाब से ही इस पर खैर वापस आते हैं कि क्या क्या हो गया, क्या होने वाला। और मैं कुछ आपके ना बड़े सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ जो लोग परेशान होते रहते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कट ऑफ गिर जाएगी, और आदेश है शायद मैंने 320 330 बोला था, और अगर हम एग्जैक्टली देखें तो पहला प्राइवेट कॉलेज आदेश जो आखिरी सीट है, और देखिए जो मैं फिगर बोलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के बाहर वालों के लिए भी, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट कहाँ तक गई है। तो आखिरी सीट है वो 323 नंबर पर मिल गई है, और ओपन कैटेगरी की सीट जो है वो 350 पे ही है। तो लोग कहते हैं सर ये जो हरियाणा का डोमिसाइल है जिसको एडवांटेज हो रहा है वो सीट तो नीचे जानी चाहिए। सो आप समझिए, पहले इसी बहाने आप ये भी समझ लीजिए कि हरियाणा स्पेशली में क्या सिस्टम चलता है प्राइवेट कॉलेजों पे। तो मैं हमेशा कहता हूँ उत्तर प्रदेश है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, हिमाचल में एक ही कॉलेज है, स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के हर कॉलेज में सेम है, पंजाब क्लोज स्टेट है, राजस्थान राउंड टू तक ओपन है, पर हरियाणा राउंड वन से ही ओपन है। बट हर कॉलेज में ना तकरीबन मोटा मोटी आधी सीटें हैं हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों के लिए। अब जो आधी सीटें हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों के लिए, हम सब प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसमें मुलाना नहीं जाएगा, 6 प्राइवेट कॉलेज, राइट। साधोपुर, SGD, 2 महंगे, आदेश, अल्फला, NC, झज्जर, 4 75 लाख वाली रेंज के, वो दोनों 1 करोड़ की रेंज के, तो सबके रूल भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। पर खासकर जो 3 है, आदेश, NC, अल्फला, ये उन दोनों में एक नई चीज, अलग चीज भी आ जाती है, साधोपुर और SGT में, और अल्फला में माइनॉरिटी आ जाता है। इन 3 कॉलेज में आधी सीट होगी हरियाणा के बच्चों के लिए, तो जहाँ हरियाणा के बच्चों की सीटें होगी वहां पर आ गया हरियाणा का रिजर्वेशन। तो आपको आदेश में भी BCA मिलेगा, BCB मिलेगा, जो आपको 205 नंबर पे देखिए आदेश में मिल गया, जो अगर कोई BCA था, BCB मेरे ख्याल से वो भाई BCB देखिए 206 पे आ गया। तो अगर आप OBC बच्चे हो हरियाणा के, तो आदेश अगर आपको चाहिए था तो 205 नंबर पे भी आपको मिल गया है, और मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सारी सीटें अलोकेट भी नहीं होंगी, एक बार चेक कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। मैंने इसलिए एक्चुअली वो साइट खोली थी कि जो कल का मैट्रिक्स आया था, राइट। अगर आप मैट्रिक्स में देखेंगे तो आदेश जैसे कॉलेज में ये हो सकता है कि सीटें पूरी एलोकेट ही ना हुई हूँ, ये रहा आदेश, ठीक है। तो ओपन में 36 थी, BCA में 7 थी बची हुई, राइट, और BCB में 4 बची हुई थी आदेश में। BCA में होगी 7 सीट्स, BCB में 4, ठीक है। अब वापस चलते हैं, तो BCB में 5 अलोकेट हो गई हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। BCA के और में 3 4 पूरी 7 सीटें आ गई हैं, और 7 सीट 205 पे आ गया, तो अलोकेशन तो पूरा हो गया। तो आदेश जो मुद्दे की बात थी कि वापस गिर गया है, तो हमने कहा था कि 320, मैंने शायद ये एग्जैक्टली बोला 320 330, और देखिए आदेश टॉप कॉलेज है हरियाणा का 75 लाख की रेंज में। तो अगर आदेश मिल गया हमको 323 में, जो कि नॉन हरियाणा के बच्चे को भी मिल गया है, राइट, तो इससे क्या पता चलता है कि बाकी जितने कॉलेज हैं वो इसके नीचे चले गए होंगे। तो आदेश अगर इतना नीचे गिर गया तो NC जो मैंने कहा था कि 280 तक चला जाएगा, वो देखते हैं कहाँ तक चला गया। तो NC एक्चुअली बिल्कुल गिर के धड़ाम 240 हो गया, 240। तो आदेश फिर भी 320 था, NC 240 पे गिर चुका है, और अगर NC 240 पे गिर जाएगा तो हमें पता ही है कि झज्जर का तो भगवान मालिक है, लेकिन फिर भी झज्जर उतना नहीं गिरा है, और झज्जर भी 217 पे अडिग हो गया। क्योंकि देखिए भाई 17 से 20 के जो सारे बच्चे हैं उन्होंने झज्जर लिया, और मैं हैरान होता हूँ देख के, थैंक्स टू देम, मे भी शायद ही लोग उसके बगल में रहते होंगे, कि 526, 383, 308, मतलब इन लोगों को आदेश मिल सकता था, फिर भी इन्होंने झज्जर चूज करा है। और
और चलो ये 291 281 वालों को एनसी मिल सकता था, पहले उन्होंने झज्जर चूज कराया। अब इनके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने झज्जर चूज कराया, कि क्योंकि देखिए सारे बच्चे वो हैं कि जिन्होंने झज्जर को एनसी मेडिकल कॉलेज के ऊपर डाला है, राइट। मैंने कहा ना कि हम साधोपुर एचडी में लास्ट में हैं, क्योंकि हो सकता है ये फीस का इशू हो, बट ये सब बच्चे वो थे जिन्हें एनसी मिल सकता था और फिर भी उन्होंने उसको ऊपर डाला, और जो नीचे हैं वो तो अलग है। ठीक है, देखिए जी बच्चों की अपनी चॉइस हो, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर आते हैं अल्फला पे, अल्फला में भी आप देखेंगे तो मामला बिल्कुल नीचे 228 पे आ गया है, तो एनसी और अल्फला बराबर ही गए हैं। अब अल्फला में भी देखिए मेनल्टी है ना वो ऊपर खत्म हो गया, तो मेरे पास मेनल्टी का फोन आया, अरे सर हमारे साथ तो अन्याय हो गया, बल्कि हम तो 243 पे खत्म हो गए, और जो नॉन मेनल्टी है उसको तो फिर भी आराम से सीट मिल गई, मतलब हमसे नीचे मिल गई। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, तो आपको ना रिजर्वेशन का रूल समझ में आना चाहिए। जो एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया था सेशन की शुरुआत में, कई लोगों ने बहुत तारीफ की थी कि रिजर्वेशन कैसे चलती है, तो मेनल्टी कॉलेज में 75 सीटें तो देखिए फिक्स है मेनल्टी के, और यही रूल एक्चुअली ओबीसी जनरल में भी होता है जब आप सरकारी कॉलेज की बात भी करते हो। तो इस वीडियो में मैं क्विक रिविजन दे दूँ, जैट से हरियाणा में या ऑल इंडिया में सरकारी छोड़ते हैं वो वीडियो में लोग, अब जिन्होंने भी अल्फला भरा उनमें नंबर वन ठीक है मेनल्टी है, अब नंबर टू एक लड़की है जो वैसे मेनल्टी है लेकिन उसके नंबर ज्यादा है, तो उसको नॉर्मल सीट भी मिल सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट सीट भी माइनॉरिटी के बच्चे को मिल सकती है। तो आप देखेंगे तो काफी जो सारे नाम से आप पहचान लेंगे, सैफुद्दीन, नमीरा, ये सब माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि नॉर्मल सीट मिली हुई है। ठीक है, तो ये भी होता है कि ऐसा मतलब ये नहीं है कि जितने माइनॉरिटी बच्चों को माइनॉरिटी सीट ही मिलेगी, उनको नॉर्मल सीट ही मिल जाती है और माइनॉरिटी सीट तो इनकी है ही है। तो ये भी देखिए 230 पे गिर गया। साधोपुर मैंने आपको हमें कहा था कि वो गिर के 200 के आसपास आ सकता है, झज्जर मैंने एक्चुअली 180 प्रिडिक्ट किया था बट झज्जर भी ऊपर रह गया, क्योंकि इसका मतलब कई लोग ऐसे हैं जो शायद यूपी छोड़ दिया होगा, जो इस रेंज के बच्चे हैं 210 से 230 वाले, और वो यूपी के बदले झज्जर में रह गए। और फिर अपना साधोपुर तो देखिए बिल्कुल ही, वह तो 132 पे गिर गया, लेकिन जो नॉर्मल सीट है देखिए साधोपुर में भी एससी की सीट है, जो मैंने आपको समझाया था ना कि हरियाणा में हर कॉलेज में स्टेट रिजर्वेशन है और फिर स्टेट की सीट है, और ये अगर सारी सीटें आ रही हैं तो इसका मतलब कि बाकी कई सीटें तो बिल्कुल खाली पड़ी होंगी। जो अगर हम फिर से मैट्रिक्स को देखें, सॉरी राउंड टू का सीट मैट्रिक्स, और मैं इसमें देखना ये चाह रहा हूँ कि एमएमयू साधोपुर में ओपन में 35 सीटें थी, ठीक है ना, और एससी में 2 सीटें थी, और हमने भी देखा कि एक एलोकेशन हुई है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैनेजमेंट में 87 सीटें थी और एनआरआई में 16 सीटें, ठीक है। अब हरियाणा जो एक और हेल्प करता है नॉर्थ के बच्चों को, वो ये है कि एनआरआई में जो 16 सीटें थी उसमें एक भी वो नहीं हुआ अभी तक अलॉटमेंट साधोपुर में, तो ये 16 की 16 सीटें राउंड थ्री में आएंगी। दैट मीन्स इस समय अगर साधोपुर 199 पे ख़त्म हुआ है तो ये पक्का आपको और 19 सीटें यहाँ पे सामने आएंगी, तो उसके हिसाब से ये 180 तक तो आराम से चला ही जाएगा, उसके नीचे भी जा सकता है, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि एसजीटी इसके ऊपर ख़त्म हुआ होगा। अब फिर से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साधोपुर को फर्स्ट चॉइस में भरा है लोकेशन की वजह से, या मैं कहना कुछ एजेंट होते हैं कि जो उनको समझा देते हैं कि हम तुम्हें सीट दिलाएंगे, और वो साधोपुर को सबसे ऊपर भर देते हैं, वो गेम अलग चलती है। और एसजीटी में भाई कुछ एक एनआरआई भी एलोकेशन हुआ, एक ही हुआ है, तो फिर से आप देखोगे तो आपके पास बहुत एनआरआई की सीटें हैं। ये लास्ट में देख रहे हो आप, ये सारी एनआरआई की सीट्स हैं जो राउंड थ्री में आपको मिलेंगी, और ये सीटें मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में तो है ही, और जो सरकारी कॉलेज की एनआरआई सीट हैं देखिए सरकारी में खाली बीडीएस में अवेलेबल होगी आई एम श्योर। अब मेवाती में अगर जब 3 सीटें एनआरआई की हैं तो अगले राउंड में ये 3 सीटें नॉर्मल सीट बन जाएगी राउंड थ्री में, तो इसलिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यों चांस होता है कि राउंड थ्री में भी सीट मिलती है हरियाणा में खासकर, क्योंकि हर जगह एनआरआई सीट है इंक्लूडिंग सरकारी कॉलेजेस, तो ये सीट भी नॉर्मल सीट बन जाएगी राउंड थ्री में, अनलेस अंटिल एलोकेशन ना हुई वो भी चेक करते हैं, ठीक है। पर ये तो एलोकेशन हुई नहीं है, तो 11, 9, 20, 10, 30, शारदा की 15, एसजीटी की अल्फला की 12, तो 12 सीटें अल्फला की हैं जो नॉर्मल सीट बनेंगी,
और 16 सीटें साधोपुर की हैं, ठीक है। तो तकरीबन 60-65 सीटें हैं जो पक्का हमें पता है कि राउंड थ्री में अवेलेबल है। 60-65 सीटें बहुत होती हैं, क्योंकि हरियाणा का राउंड थ्री आने से पहले जो उत्तराखंड का रिजल्ट आएगा, पूरे हिंदुस्तान का आएगा, राजस्थान का आएगा, पंजाब का आएगा, अभी लोग हर जगह जाएंगे। फिर एमसीसी राउंड थ्री आएगा, कुछ लोग होंगे जो डेस्परेट हो जाएंगे और वो फिर साउथ में तमिलनाडु पौंडेचेरी भी चले जाएंगे, कुछ लोग कर्नाटका में फंस के पास जाएंगे, तो फिर वो वैसे कट ऑफ नीचे जाती है। तो ये कारण है कि कट ऑफ क्यों नीचे जाती है, और इससे आपको पता चल रहा है ना, देखिए जो लोग बाबा कन्फ्यूज होते हो, तो ये देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में ये हर तरह की रिजर्वेशन होती है, और जो नॉन रिजर्व कॉलेज ऑल इंडिया वाला मैनेजमेंट बोला जाता है, एनआरआई वाला एनआरआई हो गया, राइट। और ये हर जगह अवेलेबल है सीटें। तो ये आपका हो गया कि कहाँ कहाँ तक मिल गया है। एक बार आप एलजीटी देखते हैं कि एलजीटी जो है वो कहाँ तक मिल गया था। एलजीटी भी देखिए 265 पे ख़त्म हुआ है, और फिर से मैं कहूँगा जो एनआरआई सीट जब कन्वर्ट होगी तो ज़्यादा नहीं तो 240 तक तो आना चाहिए। अल्लाह सल्टे जो साधोपुर के बच्चे, कोई बच्चे ऐसे जिनको भी साधोपुर मिला है, तो शायद उनको, मैंने कहा ना कि लोगों को अभी भी चॉइस फीलिंग क्लियर नहीं है, तो उनको भाई जो एजेंट लोग फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि वो कॉलेज ऊपर भरो जो आपको मिलने वाला है। वरना देखिए मुझे कोई साधुपुर से नफरत नहीं है, प्लीज़ आप, लेकिन ऑफ कोर्स पहला साल है, कुछ तो नेगेटिव है ना। और एसजीटी 10 साल से ऊपर पुराना कॉलेज है, शायद 15 साल से पुराना। तो भाई अब ये कुछ बच्चे हैं, अगर एसजीटी आपको मिल रहा था 265 तक, और 1 करोड़ के फीस में ही हम साधुपुर ले रहे हैं, इसको छोड़ के अगर कोई साधुपुर ले रहा है तो उसके पीछे क्या मंशा है भगवान जाने। जो ऊपर के बच्चे हो गए, ज़्यादा नहीं है देखिए, जो ये 10-12 ऊपर के बच्चे, बाकी तो देखिए साधुपुर तभी शुरू हुआ है जब एचडी खत्म हो गया। हाँ, पर डेफिनेटली एनसी और अल्फला छोड़ के लोगों ने साधुपुर लिया है, तो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी चॉइस है। और कुछ बच्चे हैं जो इतने हाई नंबर वाले हैं शायद, या ये पड़ोस में रहते होंगे कॉलेज के, या मैंने कहा ना कि उनकी फर्स्ट चॉइस होगी, तो मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला कि भाई आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, राइट। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने साधोपुर लिया है फर्स्ट चॉइस जिसे कहते हैं, और उस वजह से ही साधोपुर काफ़ी नीचे आ गए। ओके, तो ये हो गया अपना कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स, कहाँ कॉलेज नीचे आ गया है। एक और सरकारी लोगों के लिए खासकर कि देखिए अभी भी काफ़ी सीटें बची हुई थी जो कि पीडब्ल्यूडी की सीट होती है, तो सबसे ज़्यादा जो सरकारी वो भरोसा होता है राउंड थ्री का। तो फिर से आप अगर सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो ये जो सीट होती है ना, हर कैटेगरी के अंदर BCA PWD ESEB, तो अगर बहुत लंबा हो गया BCA PWD, ये देखिए ये सीटें चाहे दो दो चार चार होती हैं, बट इनका अपना बहुत रोल होता है, और यही सीटें हैं जो राउंड अगले राउंड में इसी कैटेगरी के नॉर्मल बच्चों को, जनरल बच्चों को मिलेगी। तो BCA की सीट नॉर्मल BCA बन जाएगी, ओपन कैटेगरी PWD सीट ओपन कैटेगरी बन जाएगी। तो जैसे PGA में रोहतक में 4 सीटें थी राउंड शुरू से पहले जो फिजिकल हैंडीकैप की, अब हम देखते हैं कि इस राउंड में क्या कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा आया ये सीट लेने। तो अगर ये बच्चा कोई नहीं आया, फिर यही वो सीट है जो कि आपको अगले राउंड में मिलेगी और जो आप ले सकते हो। और अक्सर तो वही होगा कि भाई जो नंबर 2 बच्चे होंगे वो अपग्रेड मार लेंगे। देखिए ओपन कैटेगरी PWD, उन्हें भी क्या देखा, तो जो चारों एलोकेट हो गए, क्योंकि तो देखो एक अपग्रेड हुआ है, भगत फूल सिंह से अपग्रेड हो गया है, और जैसे कि हम जानते ही हैं कि कम मार्क्स से मिल जाता है, दैट मीन्स PGA में इसका बच्चा चला गया भगत फूल सिंह में, अपग्रेडेशन अलाउड होता है। अपन देखते हैं कि अब भगत फूल सिंह के बच्चे का क्या हुआ, ऐसे तो कोशिश होती है ना। ओपन कैटेगरी PWD 4 था ये, और प्राइवेट की अभी बात नहीं कर रहे, देखिए प्राइवेट में भी हर जगह है ये, है ना। और ये भी अगले अगले राउंड में आपको नॉर्मल सीट बन जाएगी राउंड 3 में ही, तो राउंड 3 में ही ये सारी PWD बन जाती है नॉर्मल सीट्स अपनी अपनी कैटेगरी की। माइनॉरिटी बन जाती है नॉर्मल सीट, और NRI भी बन जाती है नॉर्मल ओपन सीट। ओके, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राउंड 3 में फिर से तकरीबन हरियाणा में तो हर चीज़ गिरेगी, क्योंकि नए बच्चे नहीं आते हैं, वही बच्चे होंगे जो बचे हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं इसी वीडियो के अंत में आपको बताना चाहूँगा कि 200 से नीचे, जो मेरा पहला वीडियो था शायद जब हमने ये
एडमिशन सीजन स्टार्ट हुआ था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपी का जब राउंड वन का रिजल्ट आता है तो बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, और जब यूपी का राउंड वन 236 पे खत्म हुआ था, देन आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट वन थिंग वेरी क्लियरली, जो आज भी लागू है कि देखिए ऐसा नहीं, सीट तो आपके 140 मार्क्स पे भी आपकी सीट कन्फर्म है इंडिया में, अगर आप राजस्थान की मोटी फीस देने को तैयार हो, या आप चू कोटा लेने को तैयार हो कर्नाटका का, या आप 140 तो नहीं पर 180 नंबर पे डीवाई पाटिल वगैरह लेने को तैयार हो, लेकिन आपका बजट अगर 70 लाख के आसपास है, तो ओपन स्टेट्स की हम बात करें तो बसता ही खाली हरियाणा यूपी है, तेलंगाना आंध्रा तमिलनाडु भी है, केरला कर्नाटका भी है, वैसे तो सब में है लेकिन मिलती नहीं है सीट। तो हरियाणा और में जिस तरह हमने देखा कि भाई साधोपुर के अलावा तो तब सभी 220 से ऊपर थे, तो गिर के 200 भी आएंगे, तो अगर आपके नंबर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि भाई जो जनरल क्वालिफाइड 137 है और नॉन जनरल हम जानते हैं 107 है इस साल, तो अगर आपके 140 से 200 के बीच में है और बजट 70 के ही है स्ट्रिक्ट, तो समय आ चुका है कि आप नेपाल की रिजर्वेशन करा लीजिए। नेपाल का फॉर्म वैसे तो 1 सितंबर में खुलने वाला है काउंसलिंग का, लेकिन इन मार्क्स से बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, या अपना बजट सीधा कम से कम बढ़ा के 1+ लेकर जाइए, क्योंकि 1+ में उम्मीद है कि आपको फिर वही डिफरेंट कॉलेजेस मिलने लग जाते हैं, और वो हर बार देखिए ऐसा नहीं कि वो अच्छा ही होगा, मतलब उसमें भी कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, लेकिन हाँ उसमें ये है कि आपको जो हमेशा कहते हैं कि गौतम बुद्धा, जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, रिजल्ट तो खैर उसका भी आना है, लेकिन हम एग्जैक्ट देखें तो जो पूरा खर्चा पड़ता है मिला मुलू के इसका, क्योंकि इन्होंने खैर बाकी चीज़ें बढ़ा रखी है, हॉस्टल मेस वगैरह, फिर तो 90-92 तो फिर ये भी जाता ही है गौतम बुद्धा, और इसके अलावा बाकी तो सारे ही आपके 1+ हो जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो। और देखिए मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं जब भी फिगर्स बोलता हूँ ना, मैं हमेशा हॉस्टल और खाना मिला के बोलता हूँ, दुनिया में कह लीजिए, मार्केट में कह लीजिए, मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं सब जैसे बोलेंगे हरियाणा मतलब 62, यूपी मतलब 50, क्योंकि वो हॉस्टल में ऐसे नहीं बोलते, मतलब 52, क्योंकि वो सीधा साहब 12 लाख × 4.5 तो बोलेंगे 55 में हो जाएगा। और सर खाना पीना तो बच्चा खाएगा ही चाहे कहीं भी रहे, मेरा ये मानना है कि बच्चा आपका छोटा था अभी 12th में था, ठीक है कोटा जिसे भेजा हो बात अलग है, बट मोस्टली बच्चा घर में रहता है, जब हम अपने घर में रहते हैं तो देखिए रहना फ्री होता है, खाना महीने का 2,000 रुपये होता है, अगर आप उसका राशन अलग से भी कैलकुलेट करें 3,000 होगा, और जैसे हम हॉस्टल में जाते हैं, जैसे ये गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है, इट बिकम्स लाइक 30,000 रुपये महीना, राइट, दोनों को अगर पकड़ लो 15-15 हज़ार, तो 30,000 और 3,000 महीने में बहुत फर्क होता है ना। तो खैर मेरी आदत है कि मैं जो भी आपको फिगर बोलता हूँ वो हॉस्टल और मेस मिला के बोलता हूँ, मोस्टली जो एजेंट होते हैं वो कंसल्टेंट, तो मैं उनको बोलूंगा ही नहीं, काउंसलर तो बोलूंगा ही नहीं, वो एजेंट ही होते हैं, क्योंकि वो आपको कम फीस का लालच दिखाते हैं, लेकिन ये पैसा भी तो आप ही को देना है ना। तो जो मैं फिगर्स बोलता हूँ वो हमेशा विद हॉस्टल मेस बोलती है, और आप भी हमेशा ये पूछा कीजिए जिसके साथ भी, जो भी आपका काउंसलर है, कि भाई पूरा बताइए ना हॉस्टल और मेस मिला के, जैसे उत्तराखंड ने जबरदस्ती महंगा कर रखा है, हर कॉलेज में तकरीबन 4 लाख रुपए जा रहा महीने का, ओके सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और हरियाणा में मैं ये कह सकता हूँ कि इस अब कट ऑफ को देख के कि शायद 200 नंबर होगा मिनिमम नेक्स्ट राउंड में, हरियाणा और यूपी का अगर मॉपअप में निकलता भी है, जिसमें आपको वही 70 के बजट 75 के बजट में सीट मिलने की उम्मीद है, बाकी मैं साउथ से चालू हो जाऊँ, केरल तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना सब इससे बहुत ऊपर जाएगा इस बजट में, तो अगर आपके 200 से कम नंबर है तो हाई टाइम हो गया कि या तो आप इमिजिएटली फैसला कर लीजिए बजट बढ़ाने का, और 70 से आप अपना बजट हॉस्टल मिला के बाबा कह रहे 1 CR रखिए, गारंटी नहीं दे रहा उसमें मैं, पर हाँ उसमें यह है कि आप राजस्थान में, और मैं आपको बहुत कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियोज में कि गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ राजस्थान में हो सकता है कि नेगोशिएशन के बाद आपको सीट मिल जाए, अगर सीट खाली बचेगी तो बचनी ही चाहिए, मैं ये भी बोलूँगा कि सीट की प्रॉब्लम नहीं है, डीम्ड तो आपको पता सारी महंगी है, और 200 नंबर से कम आ गए तो आप बिल्कुल वो संतोष और गीतम में आ जाते हो, जहाँ पर आपके 1:40 1:35 जाएंगे, तो अगर आपका बजट भी लिमिटेड है और नंबर आपके स्पेशली जनरल कैटेगरी के 140 से 200 के बीच में है, तो अब टाइम आ गया है कि आप एटलीस्ट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आफ्टर इंडिया सेकेंड बेटर चॉइस इज नेपाल, उसकी रिजर्वेशन चल रही है समय, और जो कैटेगरी क्वालिफाइड है वो नेपाल भी नहीं जा सकते, तो उनको दूसरी कंट्री अब्रॉड की चुननी पड़ेगी, अगर आप अपने आप को MBBS ही करना चाहते हो, BDS या आयुर्वेदी में शिफ्ट होना चाहते हो, तो फिर तो ऑप्शन की कमी हिंदुस्तान में नहीं है, फिर तो चाहे आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो, ऑफ कोर्स फिर आप कैटेगरी होने चाहिए, तो भी आपको प्राइवेट BDS या प्राइवेट आयुर्वेदी होम्योपैथी तो आपकी होम स्टेट में 100% मिल ही जाएगा। ओके तो ये था एनालिसिस आपके लिए हरियाणा का, और
उम्मीद थी कि मेरा हमेशा पर्पज रहता है कि आप समझ ले चीज़ों को ताकि आप चीट ना हो, और यही मेरे मेरा नॉलेज होता है जो मैं आपको सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं बार बार कहता हूँ मुझसे बात करने का, मुझसे काम कराने के, देर आर चार्जेस 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। पहली कॉल के पैसे होते हैं 2500 रुपये, मीटिंग के 5000 रुपये, क्योंकि देखिए कॉल वो है वो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, मीटिंग कभी जो मेरे पास बैठता है वो 1.25 घंटे से पहले उठ के जाता नहीं है, इसलिए वो फ़र्क है चार्जेस का, क्योंकि कॉल 20-25 मिनट में हो जाता है काम, और फेस टू फेस से कम से कम 1 घंटा लगता है। और फिर जब अगर आपका पूरा काम करते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, उसके हिसाब से हमारे चार्जेस रहते हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। और अभी मैं कहूँगा बहुत सीट्स हैं, घबराइए मत, आपको अच्छी सीट मिलेगी। सच्चाई की बात यह है कि नंबर 180 आए थे, बजट 70 दे रखा, तो कहाँ से सीट मिलेगी? बस जब तक अगर आप ये समझ लेंगे तो आप सब कुछ समझ लेंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।